बात ज्ञानवापी मामले की करेंगे, जिसमें आज फिर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष केस को सुप्रीम कोर्ट ले गया था, जिसने मामला जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। मुस्लिम पक्ष पिछली सुनवाई 30 मई पर कुछ दलीलें रख चुका है, आज फिर मुस्लिम पक्ष दलीलें देगा। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि पूजा स्थल एक्ट में आने की वजह से इसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता, जबकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये मामला पूजा स्थल एक्ट में आता ही नहीं है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगी है। आज एक बार फिर मेंटेनेबिलिटी का केस वाराणसी कोर्ट में शुरू होना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार फिर से आपकी वापसी हुई है, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, आज का क्या है, आज क्या होना है कोर्ट में? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने पिछले दो हियरिंग में अपने बहस रखी थी कोर्ट के सामने मेंटेनेबिलिटी के इशू पे। हमारे जो प्लेंट के 50 पैरा उसमें 36 पैरा तक उन्होंने पढ़ा है, आगे के पैरा उनको पढ़ने और अपने सबमिशंस कोर्ट के सामने रखने हैं, और जब उनकी प्लीडिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम उसमें अपने जवाब रखेंगे। वक्त लग सकता है आज का, दो दिन लग सकता है? मुझे लगता है आज और कल मुस्लिम पक्ष अपने बहस, मुझे ऐसा अनुमान है, हो सकता है आज ही वो अपनी बहस खत्म कर दें, नहीं तो आज और कल वो दो दिन का समय और ले सकते हैं अपनी बहस कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। लगातार 91 एक्ट का हवाला दे रहे हैं, आप लोग क्या लग रहा है? देखिए, 91 का एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। अभी इस केस में एविडेंस लीड करी जानी है और धार्मिक स्वरूप उस संपत्ति का 15 अगस्त 1947 को क्या था ये तय होना है, क्योंकि सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिखा हुआ है कि धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 का जो था वो रहेगा। तो धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या था ये कोर्ट में एविडेंस के थ्रू ही लीड हो सकता है, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके पक्ष में अप्लाई होता है। अगर कोर्ट ये तय करती है एविडेंस के बाद कि धार्मिक स्वरूप मस्जिद का था 15 अगस्त 1947 को, तब ये जगह मस्जिद की रहेगी, और अगर धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का था तो ये जगह हिंदू मंदिर की रहेगी और तब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में अप्लाई करेगा। आपने हरिशंकर जी ने लास्ट टाइम कहा था कि आप लोग चाहेंगे कि एएसआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिससे कि चीजें पारदर्शिता सामने आए। देखिए, अभी एएसआई की जो मांग है, जो बात है, अभी हम मेंटेनेबिलिटी का इशू एक बार इसको सॉर्ट आउट कर लें, इसमें हम कोर्ट के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स रख लें, ये डिसाइड हो जाए, उसके बाद एएसआई की जो बात है वो आगे बढ़ेगी। मतलब आगे ले जाएंगे ऐसे? नहीं, बिल्कुल, एएसआई तो आगे चल के हमें करना ही करना है, पर वो कब करना है, कैसे करना है, एक बार सारे लोगों से डिस्कस करके और सारे महिला याचिकाओं से डिस्कस करके हम उसमें आगे बढ़े। रवि दिवाकर का लेटर और फिर जो आपने देखा होगा, इसको कैसे देखते हैं आप? कौन सा लेटर? जो जज साहब का लेटर आया कि उन्होंने लिखा कि मैं मतलब मुझे इस तरह के वो मिल रहे हैं, थ्रेटनिंग्स मिल रहे हैं। नहीं, बहुत वो सेंसिटिव और सीरियस इशू है, जिस तरह से एक सिटिंग जज को, जिन्होंने इस केस को डिसाइड किया और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे डिसाइड किया, उनको जिस तरह से थ्रेट लेटर्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है सरकार उसकी जांच भी कर रही है, जो मेरी नॉलेज में बात आई है, और उनको प्रॉपर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है, और मैं आशा करूंगा कि इस देश के जुडिशरी के न्यायाधीश जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी दी जाए और वो अपना काम निष्पक्ष ढंग से कर पाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। इस केस में याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है, सुनिए। देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि जो सिंगार गौरी पर चल रहा है मुकदमा हो, उसमें हम विजयी हो, अविलंब मुस्लिम पक्ष के बाद सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष सुनवाई हो, जिसे दूध का दूध पानी पानी हो सके, और हमारे जो आराध्य स्थल है, जो नंदी की प्रतीक्षा हो, वह जल्दी से जल्दी समाप्त हो, यही हम बाबा से प्रार्थना किए हैं। जैसा कि विष्णु जी ने बताया कि हम लोग ने बाबा जी की मुक्ति के लिए जल्दी से हम लोग के बाबा जी मिले, माँ सिंगार गौरी हम लोग को मिले जल्दी से, हम लोग जल्दी से उनकी पूजा जो एक महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को जो है कि न्याय मिले, हम लोग जल्द से जल्द अपने महादेव की माँ गौरी की पूजा कर सकें, क्योंकि आज माता सिंगार गौरी के केस में आज डेट लगी है माननीय न्यायालय के समक्ष, तो वहाँ विष्णु जी के नेतृत्व में और हमारे हरिशंकर जैन सर के आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने आए, और हम लोगों ने रुद्राष्टक का पाठ किया है कि ये मुकदमा जल्दी निर्धारित हो और जो बाबा का मूल स्थान है वो हमें पुनः प्राप्त हो, माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजा अनवरत जैसे होती आ रही थी हर्षोल्लास से फिर से करी जा सके। हम ही सबसे बोले थे कि चलिए विश्वनाथ जी का दर्शन करके, बाबा का दर्शन करके तब हम लोग कोर्ट चला जाएगा, इसी मांगा है कि जल्दी से बाबा का उद्धार हो जाए, बाबा मुक्त हो जाए, हम लोग बाबा का दर्शन पूजन भी करें, जो बाबा बंद हैं वो खुल जाएं। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़े हैं। समर्थ, आपने विष्णु जैन से बातचीत की, इस बातचीत में कितने आश्वासन के साथ वो कहते हुए दिखाई दे कि 91 का एक्ट तो अप्लाई ही नहीं होता है, आज किस तरह की दलीलें रखी जाएंगी उनकी ओर से?
नेहा, ये बड़ी बात आपने अभी कही है जो विष्णु जैन ने आज एक्ट को लेकर कहा है। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम पक्ष से जितनी बार हम लोगों ने बातचीत करी है उनका हर बार ये कहना होता है कि यहाँ पर 91 एक्ट लगता है। यहाँ पर आज विष्णु जैन ने इस बात पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए ये बात कही है कि जो शिवलिंग, जैसा हिंदू पक्ष का मानना है कि वो शिवलिंग है, अगर वो शिवलिंग है तो शिवलिंग प्राचीन है, यानी कि बहुत साल पुराना है, और अगर ये बहुत साल पुराना है तो इस मामले में 91 एक्ट लागू नहीं होगा और हम इस मामले को इस तरह से कोर्ट में आने वाले टाइम में उठाएंगे। तो ये एक बड़ी बात विष्णु जैन ने कही है जो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का डायरेक्शन दिखाती है कि 91 एक्ट के खिलाफ उनके पास अब एक रणनीति है, एक माध्यम है। मुझे लगता है एक महीने में उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है। फिलहाल आज की अपडेट ये है कि जो बिंदु है 52 कुल बिंदुओं पर एक तरह से बहस होनी थी, चर्चा होनी थी, 30 जो अराउंड 29 है उस पर मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें दे चुका है। जो बची है वो आज से कल में खत्म होनी है, आज भी खत्म हो सकती है और कल भी खत्म हो सकती है। फिर ये जो 52 प्लेन्स है इस पर दलीलें शुरू होंगी, किसकी, हिंदू पक्ष की, उसमें भी अब मानकर चलिए 2-3 दिन का समय लगता है। अगर आप पुरानी बातें कहें सर्वे की तो 6 मई से 16 मई के बीच में सारे सर्वे हुए, इसमें एक तरह से अजय मिश्रा ने लीड करा, फिर विशाल सिंह स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर आए और फिर उसके बाद 23 मई को जो है ये पूरा जो केस था वो ट्रांसफर हो गया जिला जज को। तो ये कहीं ना कहीं पूरे केस की कहानी है। मुस्लिम पक्ष हालांकि इस बात पर अड़िग है, उसका कहना है कि 91 एक्ट है और हम इसको जो चीज मिली है उसको शिवलिंग नहीं मानते हैं, जबकि हिंदू पक्ष इस बात पर अड़िग है कि जो मिला है, जो काले रंग स्वरूप है वो शिवलिंग है और उसको लेकर उन्होंने एक तरह से जो सिक्योरिटी की बात थी उस पूरे एरिया को कवर करवाने को उसकी भी एक तरह से पेटिशन डाली थी कहीं ना कहीं, जिसके बाद उस पूरे एरिया को डीएम वाराणसी ने कवर करवा दिया था।